नमस्कार, डीबी न्यूज में आपका स्वागत है। साइबर सिटी गुरुग्राम में एक ही नाम वाले ढाबे को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद एक ढाबे के मालिक ने दूसरे के मालिक का कथित तौर पर किडनैप कर लिया। हालांकि बाद में उसे सोहना के वलूदा गांव के पास छोड़ दिया, लेकिन किडनैपिंग करने वाले अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि सेक्टर 49 इलाके में सोहना रोड पर रास्ते के किनारे दो ढाबे हैं, जिनमें से एक का नाम ढाबा HR 26 और दूसरे का नाम ढाबा HR 26 स्पेशल है। पीड़ित ढाबा संचालक नीरज शर्मा की पत्नी ब्यूटी सारद बस ने बताया कि उनके पति ढाबा HR 26 स्पेशल नाम से ऑनलाइन क्लाउड किचन भी चलाते हैं। वहीं पुलिस की दी हुई अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि उनके पति को सोमवार सुबह दूसरे ढाबे के लोगों ने नाम हटाने की धमकी भी दी थी। वहीं उन्होंने बताया कि सोमवार को लगभग 2 बजे मेरे पति नीरज ने होटल के फोन से कॉल किया और मुझे बताया कि दो लोग हमारे ढाबे पर आए थे और उनसे HR 26 नाम का उपयोग बंद करने के लिए कहा, क्योंकि यह उनके साथ रजिस्टर्ड था।